भैया मैंने आपको ग्रेवी मोमोज दिखा दिए, मैंने आपको स्टीम मोमोज दिखा दिए, बट क्या आप लोगों ने कभी सिक्योर मोमोज खाए हैं? नहीं ना। आज हम लोग आ चुके हैं इंदौर के सराफा बाजार में, जहाँ पे भाई सिक्योर मोमोज खिलाए जाते हैं। आ जाओ तो भैया, सबसे पहले तो राम राम, क्या हाल है? राम राम भैया। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे भैया ने, भैया कौन से मोमोज बना के खिला रहे? पहले वेज पनीर तंदूरी है सर। भाई सबसे पहले भैया ने पनीर मोमोज लिया और पनीर मोमोज को आपने डाला था पैन के अंदर एक, और पैन के अंदर आपने तंदूरी मसाला बनाया था अपने। दिखाने वाले मसाला दिखाना। मैंने बहुत सारे तरीके के मोमोज खाए, मैंने फ्राइड खाए हैं, ग्रेवी खाए हैं, मगर भैया सेक के मोमोज मैंने पहली बार नहीं खाए। सर ट्राई करिएगा, अच्छा लगेगा। फ्राई होने के बाद इसका क्या नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है? हाँ, फ्राई होने के बाद सर चारकोल ग्रिल होंगे, कोयले पे ग्रिल होंगे। तो भाई हमारा अब सेकंड प्रोसेस रेडी होने जा रहा है, जिसका मैं आपको बता रहा था कि मोमोज को सेक कर खिलाया जाता है। क्या बात है भैया, इसके अंदर ग्रेवी भी जाएगी? ग्रेवी नहीं, तंदूरी चारकोल होगा। और ये सीधा चल जाएगा सेकने के लिए है? जी। क्या बात है भाई, अच्छे से भैया ने दबा कर इसको सेक रहे हैं। भैया ये इतने सीख रहे हैं, मेरे को ये और कौन कौन से मोमोज है अपनी दुकान पे? चीज क्लासिक है, कौन चीज है, पिज्जा पनीर, पास्ता वेजी लाइट, स्पाइसी भी है। क्या बात, और सारे के सारे मोमोज ऐसे सेक के देते हो? जी, चारकोल करके देते हैं। यार भैया मेरे को एक बात बताओ, चारकोल क्यों बोल रहे हैं इसको? चारकोल तो कहीं यूज भी नहीं हो रहा। चारकोल अब पहले चलता था, अभी बंद हो गया सराफे में। जो यहाँ पे गैस चल रही है उसकी जगह पहले क्या वो चारकोल लगता था? चारकोल लगता था। क्या बात है भाई, उसकी तो फ्रेगरेंस अलग हो जाती होगी मोमोज में। बहुत अच्छा। मगर भाई अब सराफा बाजार के अंदर कहीं पे भी चारकोल यूज नहीं होता? अभी भी नहीं, सब गैस से ही चालू करते हैं। क्या बात है भाई, और ऐसे लगातार भाई यहाँ पे अलग अलग तरीके के मोमोज लगते रहते हैं। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग क्या रहती है दुकान की? 9 से 2। भाई ये रेडी हो चुके हैं हमारे, और अब जाएंगे ये रेडी हो गए। इसके अंदर और कुछ डलेगा? अभी अब सॉस डलेगा इसके। तंदूरी है, मीवे सॉस है। और अगर मैं रेटों की बात करूँ तो रेट क्या रहते हैं इसके? रेट इसके 100 रुपीज। 100 रुपए के 1, 2, 3, 4, 5, 6 मोमोज। ये मेयोनीज और ये गई है रेड वाली। भाई ये रेडी हो चुके हैं मोमोज। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, लोकेशन के रहते हैं हमारे सराफा बाजार पंजाब ज्वेलर्स के जस्ट सामने, मीवे मोमोज। भाई फाइनली मैंने अपनी लगवा ली है, और ये है चारकोल तंदूरी मोमोज, जिसके अंदर चारकोल का यूज ही नहीं हुआ है, क्योंकि सराफा बाजार के अंदर अब चारकोल बंद हो चुका है। भैया मेरे को बता रहे थे, मैंने पूछा, मैंने कहा भैया चारकोल नाम क्यों दिया इसको? तो भैया ने बोला कि भाई इसको चारकोल का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि पहले चारकोल यूज होता था इस मार्केट के अंदर, पर जब से चारकोल बंद हो गया इन्होंने गैस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो नाम पुराना रह गया। भैया नाम भी बदल दो, उसका नाम कर दो गैस वाले मोमोज, ठीक है? अगर मैं रेटों की बात करूं तो 100 रुपए इसका प्राइस है, जिसके अंदर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 मोमोज मिल रहे हैं। भाई मैंने अक्सर मोमोज खाए हैं जो कि फ्राइड खाए हैं, ग्रेवी खाए हैं, तंदूरी भी खाए हैं, मगर सिके हुए मोमोज मैंने पहली बार खाए हैं। आज से पहले मैंने सिके हुए मोमोज खाए थे जब मेरी मम्मी ने मेरे को घर पे दिए थे। मैं लेकर आया था ठंडे मोमोज, तो मम्मी ने कहा अब ये मोमोज तो फ्राई हो नहीं सकते, तो इसका अगर सेक के खा ले, तो मैंने इसको सेक के खाया, तो देखते क्या इसका टेस्ट वैसा होने वाला है या फिर नहीं, ठीक है? तंदूरी मसाला भी लगाया हुआ, और हमने लिया अपने पनीर वाले, चीज़ कॉर्न भी हैं। अगर आप लेना चाहो तो बहुत सारे तरीके के मोमोज हैं। रेड वाली सॉस के साथ आपको इसका आनंद मिलता है। रेड वाली सॉस को मैं ट्राई करूँगा, अगर रेड वाली सॉस इसकी पास हो गई तो भाई इनके पास हो जाएंगे मोमोज, क्योंकि मोमोज का जो असली मजा है वो इसकी चटनी में ही है मेरे भाई। और असली स्वाद बता सकते हैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले। क्या बात है, पूछना होता है। खाओ भाई। गाइस आप लोग खाओगे? भाई आप खाओगे? भाई आप खाओगे? सबसे पूछ लिया। चटनी चटनी तीखी नहीं है, पर टैंगीनेस और मसालेदार। टमाटर का सा यूज करा गया है। आज हम लोग खड़े इंदौर के सराफा बाजार में, जहाँ पे भाई खाने के साथ ऐसे ऐसी कारिस्तानियां करी जाती है ना, तो उनमें से ही एक कारिस्तानी है मोमोज की। हम लोग खड़े हैं मीवे मोमोज पे। अगर आप कभी भी आपका मोमोज खाने का मन कर रहा है, कुछ भी मोमोज खाने का मन कर रहा है अतरंगी सा, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे इंदौर की या किसी शहर की बड़ी सी वीडियो में, तब तक के लिए भाई अलविदा।